नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कैसे देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतिका दीक्षित। मथुरा में एक मकान ढह गया है, उसकी वजह बेहद अहम बताई जा रही है, आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। 2.5 करोड़ के इलाके को लेकर क्यों मचा है घमासान, आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। और बड़े अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले की ये खबर है। आज पूरी फैमिली को 7 साल की सजा हुई है, जिसमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम, तंजीम फातिमा को कोर्ट ने सजा सुनाई। तीनों को 7-7 साल की सजा का ऐलान कोर्ट ने किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इन सभी को सजा सुनाई है। आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हुई है, और अब इसके बाद 7 साल की सजा मिलते ही अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता चली जाएगी। आजम एंड फैमिली को आज कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2 बर्थ सर्टिफिकेट अब्दुल्ला आजम के थे, जो कि एक रामपुर नगर निगम से इशू था और दूसरा लखनऊ नगर निगम से इशू कराया गया था। इस मामले पर हालांकि आजम फैमिली आरोप लगाती रही है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, ये सब कुछ राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है, लेकिन आज कोर्ट ने तमाम जिरह सबूतों के बाद अपना फैसला सुना दिया है, करार दिया गया और 7 साल की जेल की सजा मुकर्रर की गई। आजम खान, अब्दुल्ला आजम और फातिमा, ये तीनों ही कोर्ट परिसर में मौजूद थे जब ये सजा सुनाई गई। सीधे रुख करेंगे आकाश सक्सेना का, जो कि विधायक भी है रामपुर से, और उन्होंने ही इस मामले को प्रकाश में लेकर आए थे। आकाश जी, आज ये मामला अंजाम तक पहुंचा है। वैसे तो कई मामलों में आप लगातार एक्टिविस्ट की तरह आजम फैमिली आते रहे हैं, आज एक और मामले में पूरे परिवार को 7 साल की सजा हुई है। बिल्कुल, देखिए सत्य की जीत होनी थी और मुझे पूरा पहले भी विश्वास था और आगे भी हमेशा न्यायपालिका विश्वास है, क्योंकि सत्य को इन लोगों के द्वारा दबाया जरूर गया, लेकिन सत्य कभी छुप नहीं सकता। और आज आजम के जो कृत्य है वो उनके सामने है, और जिस तरीके का कोर्ट का फैसला है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जी, आप ऐतिहासिक बता रहे हैं इस फैसले को। अभी तक आजम खान के लिए कहा जा रहा था, जिस तरह से उन्हें सजा हुई, उनकी सदस्यता चली गई, कि अब वो अपने राजनीतिक करियर के अंतिम पड़ाव में हैं, लेकिन अब यही सवाल जो है उनकी अगली पीढ़ी में जा चुका है। अब्दुल्ला आजम, उनकी पूरी उम्र पड़ी थी, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, अब उनकी भी सदस्यता चली जाएगी क्योंकि 7 साल की सजा हो गई है। देखिए, आज की तारीख में कोई भी इनके परिवार का विधायक या सांसद नहीं, और ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है कि आजम की सदस्यता, उनके बेटे की सदस्यता दोनों सजाओं के बाद थी। आजम ने जिस तरीके से अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया, वो अपने आप में एक बहुत संगीन जुर्म है, जो कि सबको पता था लेकिन सामने नहीं था। 2017 में इसकी एफआईआर हुई और इसके बाद आज लगातार 8 साल के बाद जो फैसला है वो अपने आप में, मैंने पहले भी कहा कि वो ऐतिहासिक है और ये एक नजीर साबित होगा देश के लिए। एक बहुत बड़ा संदेश भी आकाश यहां पर कि सत्ता में रहते हुए आप सत्ता के हनक के जरिए कोई भी गलत काम कर तो लेंगे, लेकिन आज नहीं कल आपको उसका अंजाम भुगतना होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2015 में जब आजम खान नगर विकास मंत्री थे, तो अपने ताकत को इस्तेमाल करते हुए 23 जनवरी 2015 को नगर निगम लखनऊ से ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया, और वो जन्म प्रमाण पत्र तंजीम फातिमा ने अपने शपथ पत्र के आधार पर बनवाया और कहा कि लखनऊ में हमारे बेटे का जन्म हुआ और उसकी जन्मतिथि 30/9/1990 है, जबकि रामपुर से उनका लगभग 20 साल पहले एक जन्म प्रमाण पत्र लागू वहां से जारी हो चुका था, जो कि आजम खान और तंजीम फातिमा के दोनों शपथ पत्र के आधार पर था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे बेटे की उम्र 1/1/1993 है और जन्म स्थान रामपुर है। सीधा सीधा सा केस है, शीशे की तरह साफ है, इसमें किसी कोई बहुत ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, पेपर एविडेंस का मामला है। आजम ने पूरी 7 साल तक की अपनी पैरवी में एक बार भी ये नहीं कह पाए कि ये जो मामला है वो गलत है।
बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, दोनों ही सर्टिफिकेट्स जो हैं वो सोशल मीडिया से लेकर टीवी सभी जगह तैर रहे हैं। कोर्ट ने आज मुहर भी लगा दी कि वाकई ये फॉर्जरी थी, ये झूठ था, 420 थी, दोनों बर्थ सर्टिफिकेट इस तरह नहीं हो सकते। आपका शुक्रिया आकाश जी हमसे बातचीत के लिए। और अब आपको सुनाते हैं जब ये फैसला आया उसके बाद क्या कुछ कोर्ट ने कहा, विस्तार से जानकारी वकील ने भी दी और आकाश सक्सेना भी वहां पर थे जिन्होंने इस पूरे मामले को लड़ा, तब उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। के दो जन्म प्रमाण पत्र थे, वादी आकाश सक्सेना ने एक FIR पंजीकृत कराई थी, क्राइम नंबर 4/19, जिसमें विवेचना के बाद चार्जशीट फाइल हुई थी, धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के अंतर्गत अब्दुल्ला आजम, श्रीमती तंजीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान को इसमें आरोपी बनाया गया था। दौरान विचारण इसमें सभी साक्ष्य पेश किए गए प्रोसिक्यूशन द्वारा और डिफेंस द्वारा भी अपनी सफाई पेश की गई। अदालत ने आज जजमेंट सुनाया है, तीनों लोगों को इसमें दोषी मानते हुए दोष सिद्ध किया गया है और सजा के मामले में भी कन्विक्शन के पॉइंट पर सुनने के बाद उन्होंने मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट दिया है, इसके अलावा 3 साल का पनिशमेंट है और लगभग 15,000 रुपये जुर्माना है। सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी और आज ये सजा खुले न्यायालय में न्यायाधीश श्री शोभित बंसल द्वारा सुनाई गई है। कौन कौन आरोपी है इसमें? इसमें मोहम्मद आजम खान, श्रीमती तंजीन फातिमा और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम। देखिए, इस पूरे मुकदमे में अगर देखा जाए 5 साल ये लगे और 5 साल के बाद जैसा हमने न्यायपालिका के हर फैसले में हमने यही कहा कि हमेशा वहाँ का जो फैसला वो सत्य की जीत होती है। आज रामपुर जो MP MLA कोर्ट का जो फैसला है उसमें सत्य की जीत हुई है। तो कितना बड़ा स्ट्रगल था, कितनी वो तैयार वो की गई थी और किस तरीके से कोर्ट में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज इनको इनके जो कृत्य थे उसकी सजा मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी जितने इन पर जो मुकदमे हैं जो इस तरीके के हैं उसको सजा इनको और मिलेगी। तब इनकी तरफ से कोई रिएक्शन मिला दोषी करार देने पर सजा के बाद? देखिए, हमारा दिमाग अपने काम पे लगा होता है, दूसरा कौन क्या कर रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में बांदा बहराई NH पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पोखरा चीनी मिल के पास पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते जाम लगा है। बांदा बहराई हाईवे पर हैदरगढ़ से शिवगढ़ तक कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। शिवगढ़ और हैदरगढ़ पुलिस के जाम छुड़ाने में पसीने छूट गए। तो पुल टूट गया था जिसके चलते ये लंबा जाम लग गया। बैक टू बैक सभी ट्रक आप खड़े देख रहे हैं। हैदरगढ़ से शिवगढ़ तक करीब 30 किलोमीटर का ये जाम है। इस जाम को खुलवाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। कई किलोमीटर तक ये लंबा जाम और एक कतार में ट्रक, मेटाडोर्स, भारी वाहन ये सभी खड़े थे जिससे पूरा हाईवे ब्लॉक हो गया। पिथौरागढ़ के दुर्गम इलाकों में जाना खतरे से खाली नहीं है। एक नया वीडियो सामने आया है जहां पर एक पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा। दहशत से भर देने वाला मंजर, पल भर में भरभराकर गिर गया पूरा पहाड़। जिस किसी ने भी ये तस्वीर देखी वो दहशत में आ गया। पिथौरागढ़ का ये सुंदर इलाका है और ये सड़क लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ती है। तबाघाट लिपुलेख हाईवे पर ये चट्टान दरक गई, वहाँ मौजूद लोग सिहर गए और चट्टान खिसकने का ये वीडियो वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल फोन पर कैद कर लिया। ये खौफनाक वीडियो तबाघाट के पास का है। एक बार शुरू से देखिए आखिर इतना विशाल काय पहाड़ कैसे चंद सेकंडों में चकनाचूर हो गया। पहले पहाड़ी से मिट्टी नीचे की तरफ आने लगी, उसके बाद पहाड़ में हलचल हुई, जिसके बाद तो पूरा का पूरा पहाड़ टुकड़ों में टूटकर नीचे की तरफ आ गया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरते हुए नीचे नदी में समा गए।
जिसके बाद वहां पर धूल का गुबार फैल गया। पहाड़ी के गिरने की आवाज इतनी भयंकर थी कि कई कई मील दूर तक सुनाई पड़ी। पहाड़ कब खिसक जाए कोई कह नहीं सकता। यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ। जब चट्टान खिसकी उस वक्त सड़क के दोनों ओर गाड़ियां दौड़ रही थी, लेकिन खतरे की आहट को भांपते हुए लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक ली और कुछ ही देर में ये पहाड़ी टूटकर नीचे आ गिरी। लोग कितने दहशत में आ गए थे ये उनकी आवाज सुनकर पता चलता है। मलबा सड़क में आने के बाद काफी देर तक यातायात बाधित हो गया, जिसके बाद सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। बरसात के बाद से अक्सर चट्टान खिसकने का खतरा बढ़ जाता है और इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती है। बार बार सड़क बाधित होने से राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। इस रोड पर कुदरत का कहर ये पहली बार नहीं देखा गया। इसी रोड पर पिछले हफ्ते लमारी के पास भी एक पहाड़ गिरने की घटना हुई थी। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर एक गाड़ी के ऊपर गिरे और हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पिथौरागढ़ से न्यूज 18 के लिए विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मथुरा में एक जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया और बताया जा रहा है कि बंदरों की लड़ाई की वजह से ऐसा हुआ है। क्या है पूरा मामला आगे खबर देखिए। मथुरा के गोविंद नगर में एक मकान महज कुछ सेकंडों में धड़ाम से नीचे गिर गया। आसपास रहने वाले लोग अचानक दहशत में आ गए। हादसे की लाइव तस्वीरें घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन घटना के पीछे एक बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि मकान काफी समय से जर्जर पड़ा है। घर के मालिक भी इसमें नहीं रह रहे थे, यानी कि मकान पूरी तरह से खाली था। तभी कुछ बंदरों ने इस घर में डेरा जमा लिया। घटना के वक्त भी बंदर मकान के एक फ्लोर पर आपस में लड़ रहे थे। उसी के बाद ये घर गिर पड़ा। हादसे के वक्त क्या हुआ एक बार फिर से देखिए। घर के नीचे ही एक सफेद रंग की गाय खड़ी थी। गली में सामने से एक युवक गुजर रहा था और उसके ठीक पीछे एक स्कूटी सवार भी आता हुआ दिखाई दिया। इतने में घर से आवाज आती है और वो अचानक धराशायी हो जाता है। गली में चल रहा युवक ये देखकर तेजी से भागा और किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं स्कूटी सवार भी बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन मकान का मलबा उसकी स्कूटी से टकरा गया। बाद में जो गाय घर के नीचे खड़ी थी वो भी भागने लगी। मकान के गिरने के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। ये अशोक शर्मा जी का मकान है। ये मकान काम चल रहा था। ये लोग 1 महीने से कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं और बंदरों की वजह से ऊपर से ये मकान एकदम आके गिर पड़ा है। मकान की क्या स्थिति है? मकान खराब गड़बड़ था, मतलब जर्जर था, इसलिए वजह से काम चल रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक घर को दोबारा बनाने का काम चल रहा था, तभी छत पर बंदरों का एक झुंड आ पहुंचा और वो आपस में झगड़ने लगा। कहा जा रहा है कि इससे पहले भी चौक बाजार में एक मकान गिर गया था, तब भी बंदरों की वजह से घटना होने की बात सामने आई है। मथुरा के थाना गोविंद नगर के कच्ची सड़क इलाके की ये घटना है। मकान गिरने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और नगर निगम की टीम पहुंच गई। पुराना मकान था, खंडर मकान था, खाली पड़ा था, जर्जर स्थिति में था, अचानक से भरभरा के गिर पड़ा है। ठाकुर जी की कृपा से कोई भी बड़ी जनहानि नहीं हुई है। 1-2 बच्चे घायल हो गए हैं। एक दीपक अग्रवाल जी हैं, वो घायल हैं, उन्हें सिटी हॉस्पिटल भेज दिया है। बाकी कोई भी बड़ी जनहानि नहीं हो पाई है। मकान में दरार आने की वजह से मालिक मकान का निर्माण करा रहे थे। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ मकान में कोई नहीं था। इससे पहले वृंदावन के दुसियात इलाके में मकान का छज्जा गिरने से 5 लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद नगर निगम ने कई मकानों को चिन्हित किया था और कुछ जर्जर मकानों को गिराया भी गया था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।